हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो और स्वागत है आपका क्राफ्ट फॉर मॉडल के एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये ऑटो कूल का एक प्रोडक्ट है। बेसिकली ये एक विंडो एग्जॉस्ट फैन है जो कि कार में यूज़ होता है, और अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी गर्मी का टाइम चल रहा है और इस गर्मी में आपकी जो कार है अगर 10 मिनट भी धूप में खड़ी रहे तो उसकी उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 70-80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में गाड़ी में बैठना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है और उसको कूल करना भी एक चैलेंज है। एसी हम ऑन करते हैं तो वो भी इतनी आसानी से उसको ठंडा नहीं कर पाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोडक्ट आपके सामने अनबॉक्स करने वाले हैं और उसके बाद में इसका टेस्ट भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो गाइस, वैसे इसकी जो कीमत है 499 है। इनवॉइस को हम रख देते हैं इस तरफ और उसके बाद में हमारे पास में ये है वेंटिलेशन सिस्टम जो कि कार में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें चीज़ मिलती है। पहले इसकी थोड़ी सी खास बात हम देख लेते हैं कि क्या है। इसकी खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई अलग से पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक छोटा सा सोलर पैनल लगा हुआ है तो उसी सोलर पैनल की सहायता से ये चलता है और कार को ठंडा रखता है। और वैसे इसकी जो MRP है वो 999 है और लेकिन ये 499 में हमें मिला है। वैसे MRP का इंडिया में कोई ज़्यादा सेंस भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी है नहीं है, तो लोग कितने भी डाल देते हैं। तो भाई, सबसे पहले ये ऑटो फैन की तरफ से इंस्ट्रक्शन गाइड है किस तरीके से हमें इसे ऑपरेट करना है। ये ऑपरेट तो मैं आपको बता दूंगा जब हम इसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले ये एक बेल्ट है और ये जो बेल्ट है हमें लगानी है अपने मिरर के ऊपर। आप देख सकते हैं जिसमें नीचे की तरफ ये जो साइड जो हमारा विंडो का ग्लास होता है उस ग्लास को इसमें फंसाना है। तो ये एक रिबन टाइप की है और जिसकी सहायता से हम बाकी इसको बंद कर सकते हैं। कुल मिला के जो हमारा मेन गैजेट है वो ये है, देख सकते हैं। और ये है इसका एक छोटा सा सोलर पैनल, अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। और यहाँ पर इसमें एक ब्लोअर टाइप का फ़ैन लगा हुआ है। अब अगर हम इसको बाहर लेके जाएं तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ऑन ऑफ करने का स्विच कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बस इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ब्लेड है वो हल्का सा इसमें दिख रहा है। और जब हम इसको कांच पर लगाएंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ से जो है हॉट एयर है वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ से एयर वापस अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑटो फैन काम करेगा। अब आइए दोस्तों, इसको कार में लगा के चेक करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी कार और आप देख सकते हैं कि ये पूरी धूप में खड़ी हुई है और अभी सुबह के सिर्फ 10 बजे हुए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कार के अंदर तो क्या बाहर भी नहीं रुक सकते। तो आइए गाइस, सबसे पहले ये जो हमारे पास में वेंटिलेशन सिस्टम का जो फैन है उसको हम पहले धूप में एक बार ऑन करके देखते हैं कि चलता है नहीं चलता है, और फिर इसको फिट करते हैं किसी एक विंडो में। तो गाइस, जैसा कि इसकी इंस्ट्रक्शन जो स्लिप आई है उसके अंदर दिया हुआ है, इसको जो इंस्टॉल करने की जो मेथड है, हमारे पास में इसकी एक स्लिप है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें जो दिया है, सबसे पहले हमें जो जो विंडो है शायद आगे के लिए दिया है प्रेफरेबल, जो ड्राइवर सीट और जो को ड्राइवर सीट होती है उसके उस वाली साइड में इसको लगाना चाहिए, पीछे की तरफ शायद नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहले हम इसका ग्लास उतारेंगे। तो ये हमारे पास में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और ये हमने अपना ग्लास उतारा, हल्का सा इतना उतार देते हैं। और फिर हमें ये जो है कहते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रखा, क्योंकि ये धूप से चलता है तो ये चलना शुरू हो गया था, है ना। और ये देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी जो ब्लेड है
वो दिख नहीं रही है, ये देखिए जो आपको ब्लेड दिखाई दे रही है इसकी, हल्की सी धूप आने पर ही चलना शुरू कर देता है और ये काफ़ी तेज़ चलने लगा है। यहाँ से हवा भी आ रही है काफ़ी तेज़, और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से चल रहा है। पर इसके लिए कंडीशन ये है दोस्तों कि ये इसको चिलचिलाती हुई धूप ही चाहिए, क्योंकि छाया में अगर हम सोचें यूजुअली कई सारे जो सोलर पैनल होते हैं वो शेडो में भी काम करते हैं, लेकिन ये शेडो में काम नहीं कर रहा है। फिलहाल अपने को करना ये होगा कि ये जो है इसको हम इस तरीके से यूँ लगाते हैं जैसे कि हमने लगाया है इसको, और इसके साथ में जो हमें जो रबर की एक पैकिंग मिली है, जो कि ये है, ये रबर की पैकिंग है जो इसके साथ में हमें मिली है। इस रबर की जो पैकिंग को हम कांच के दोनों तरफ फिक्स करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि ये एक इसमें फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से इसको कांच में लगाएंगे ताकि जो सिस्टम है पूरी तरीके से एयरटाइट हो जाए। तो आइए पहले इसको लगाते हैं। तो गाइस, हमने इसको इस तरीके से अपनी जो गाड़ी का जो डोर है, को ड्राइवर साइड जो डोर है उसमें इसको फिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिटिंग है वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, कि अगर जैसे यहाँ से इसको अगर हम इस ग्लास को अगर बंद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हवा इतनी आसानी से बाहर अंदर जा सकती है। तो इसको एक बार मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ कैसा ये काम करता है। यहाँ पर अगर फिटिंग की बात देखी जाए तो फिटिंग बहुत ही ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई गैप नहीं है इसमें, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। जैसी कांच की फिटिंग होती है हल्का सा छोटा सा यहाँ पे गैप बस दिख रहा है, उसके अलावा कोई खास नहीं है। ओवरऑल जो फिटिंग है वो बढ़िया है इसकी, ड्यू टू दिस प्लास्टिक और रबर शीट, रबर स्ट्रिप जो भी आपका है, कुल मिला के जैसा इसमें दिया था वैसा हमने इसको सेट किया है। अब चूंकि जो गाड़ी का डायरेक्शन है वो एकदम सन की तरफ तो नहीं है, तो हम जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ फैन जो है वो चल नहीं रहा है। देख सकते हैं कि फैन का जो ब्लेड है वो नहीं घूम रहा है। बाकी हम ये देखेंगे कि गाड़ी का डायरेक्शन जो है चेंज करके लगाएं। तो आइए अभी, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है सिर्फ 10 बज रहे हैं, तो हम 12 बजे के आसपास एक बार आएंगे और उसको डायरेक्शन चेंज करके देखेंगे कि चलता है नहीं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में एक टेम्परेचर गेज के साथ में इसका जो पूरा टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर ये काम करता है। क्योंकि ये हमने देख लिया कि ये जो सोलर पैनल है वो और जो फैन है वो काफ़ी तेज़ स्पीड में चलता है और काफ़ी अच्छी हवा देता है, तो उस कंडीशन में ये काम कर रहा है ये हमें पता चल गया। लेकिन ये कितना इफेक्टिव है इसकी सही सही पूरी जानकारी हम आपको देंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि हम एक टेम्परेचर गेज से बाकायदा इस गाड़ी को 1 घंटे तक धूप में खड़ा रखेंगे और जितना टेम्परेचर बनेगा इसमें उसके बाद में इस फैन को लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि वो टेम्परेचर में कितना डाउनफॉल होता है। तो स्टे विद अस गाइस, हम अपने अगले वीडियो में टेम्परेचर गेज के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हुए फिर आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.